एक मतलब मतलब और एक शेर शेर मरहूमा के दरजात की बुलंदी के लिए पेश करता हूँ। एक बार और मिलकर दुरूद पढ़ लीजिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद के। मौत एक दिन ले गई यूं जिंदगी के सामने, मौत एक दिन ले गई यूं जिंदगी के सामने, सामने मेरे अली और मैं अली के, सामने सामने मेरे अली और मैं अली के, सामने शेर बता दे खास खास कसरे जन्नत छोड़ दूं गर्दे अबू तालिब मुझे, कसरे जन्नत छोड़ दूं गर्दे अबू तालिब मुझे, एक छोटा सा मकान अपनी गली के सामने, एक छोटा सा मकान अपनी गली के सामने। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात सलावात। एक सूरह फातिहा मरहूमा सैयदा शबी ज़हरा ज़ैदी बिनत सैयदी सरज़ ज़ैदी ज़ौजा सैयद ज़िल्ले ज़ाफ़र ज़ैदी के। मर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात सलावात اللهم صل على محمد وعلى محمد بی پاک جناب خدیجہ کے کلام سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، کوئی آسان مثل خدیجہ ہونا، اور تیری بیٹی نے یہ دنیا میں کیا ہے ثابت، تیری بیٹی نے یہ دنیا میں کیا ہے ثابت، نسل چلنے کو ضرور نہیں بیٹا ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا۔
क्या है बीवी पाक जनाब खदीजा के साथ समाप्त फरमाइए के बेटी जहरा अली दामाद नवासे हसने आया आया बेटी जहरा अली दामाद नवासे हसने इसको कहते हैं फजीलत का मदीना होना कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना और दीदी तस्वीर को इमरानो खदीजा के बगैर दी की तस्वीर को इमरानो खदीजा के बगैर देखने से तो कहीं अच्छा है अंधा होना कोई आसान मिसले खदीजा होना। आखिरी शेर आपके साथ आप सुना तो कह दिया जनाब नायब अल्लाह साहब के कलाम कलाम दावते फिक्र है दुनियाए सखावत के लिए दावते फिक्र है दुनियाए सखावत के लिए छह महीने तेरी शादी का वलीमा होना कोई आसान नहीं मिसले खदीजा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात सलावात।